नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके हमारे अपने ही चैनल में स्कोर प्लेयर। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली, इस वीडियो में पोर्टुगीज लीग का जो है ये मैच कवर करने वाले हैं। BOA वर्सेस SCT के बीच में जो है ये मैच होगा। स्टूबल वर्सेस बोयाविस्ता, ये दो टीम है जिन दो टीम्स के बीच में हमारा जो है आज का जो है ये मैच होने वाला है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक चीज़ की एडवाइस देना चाहूँगा, यहाँ पे दोनों टीम जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, तो यहाँ पे आप जो है 6:5 का कॉम्बिनेशन जो है ट्राई करेंगे तो आपके लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लेयर्स की अपडेट जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने 7:4 कॉम्बिनेशन ट्राई करा है, लेकिन यहाँ पर 6:5 कॉम्बिनेशन ही जो है मैं ट्राई करूँगा, और आपको जो है बता दूंगा क्यों 6:5 कॉम्बिनेशन मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर दोनों टीम जो है स्ट्रॉन्ग टीम है और दोनों टीम जो है गोल जो है करेगी दोस्तों। हाँ तो दोस्तों बात करते हैं टीम स्टैट्स की। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, बोविस्टा FC वर्सेस विक्टोरिया दी स्टेबल की टीम है हमारी, जिस टीम का जो है आज 11:30 बजे जो है ये मैच होगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़, अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े तो जुड़ जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना जो है सभी भाइयों के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा जो है ज़रूरी है। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए आपको सर्च करना, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है फाइनल अपडेट के जो है जो भी फाइनल अपडेट होता है वो अपडेट हम आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइएगा। यहाँ पे रेफरी की बात करेंगे तो यहाँ पे एंटोनिया नोब्रे जो है हमारे जो है आज के जो है रेफरी होने वाले हैं पोर्टोगोस के। अगर इनके एवरेज कार्ड की बात करें तो इन्होंने अभी तक रेड कार्ड यूज़ किया हुआ है 0.29% और येलो कार्ड यूज़ किया हुआ है 4.65%। तो ये जो है इनका जो है रेड कार्ड और येलो कार्ड यूज़ करने का जो है एवरेज है, जो आपको जो है ज़रूर पता होना चाहिए दोस्तों। फिर उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर हमारी जो टीम है बोविस्ता, तो इस टीम की जो है क्या स्टैट चल रही है। तो सबसे पहले दोनों टीम की स्टैट्स भी मैं आपको बता दूंगा, जिसके रिगार्डिंग आपको पता चलेगा कि जो है यहाँ पे दोनों टीम की साइड से आपको जो गोल फॉरवर्डिंग जो है देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे अगर गोल होगा तो यहाँ पे एक एक गोल हो सकता है, नहीं तो 1-0 गोल हो सकता है। तो यहाँ पे 1-0 गोल कैसे होगा वो भी मैं आपको जो बता दूंगा। क्लब रैंक की तरफ ध्यान देंगे तो यहाँ पे 10 नंबर क्लब रैंक पर आपको जो हमारी टीम जो है देखने को मिल जाती है बोविस्ता की। यहाँ पे 26 मैच जो है दोस्तों ये टीम खेल चुकी है, जिसमें से 8 मैच इन्होंने विन करे हैं, 8 मैच ड्रॉ और 10 मैच का लॉस आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। पॉइंट्स की तरफ ध्यान देंगे तो यहाँ पे 32 पॉइंट पे जो आपको जो है यहाँ पे ये टीम देखने को मिल जाएगी। वहीं पे अगर आप गोल फॉरवर्डिंग की तरफ ध्यान देंगे तो इन्होंने जो है 26 मैचेज में 22 गोल जो है फॉरवर्ड करे हैं। गोल अगेंस्ट की तरफ ध्यान देंगे तो यहाँ पर 24 गोल जो है अगेंस्ट भी हुए हैं। यहाँ पर एक चीज़ और पॉसिबिलिटी हो सकती है दोस्तों कि यहाँ पर जो है 0-0 भी आपको जो है शो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों टीम की साइड से इतनी अच्छी जो है गोल फॉरवर्डिंग नहीं है। बट यहाँ पे विक्टोरिया की टीम ऐसी टीम है जो जो है कभी कभार जो है ज़्यादा गोल जो है खा लेती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है शायद बोविस्ता की टीम जो है गोल कर दे दोस्तों। तो यहाँ पे गोल डिफरेंस की तरफ ध्यान देंगे तो यहाँ पे -2 गोल का डिफरेंस आपको जो है यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा। फिर वहीं पे यहाँ पे बात आती है कि हमारे पास जो है लास्ट मैच रिकॉर्ड जो है क्या है। तो यहाँ पे अगर आप लास्ट मैच रिकॉर्ड की तरफ ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो इनका लास्ट मैच था वो इन्होंने विन करा, फिर लॉस ड्रॉ लॉस लॉस। तो यहाँ पे मोस्टली जो है 3 मैचेस हमें जो है लॉस देखने को मिलेंगे, एक मैच ड्रॉ और एक मैच का विन हमें जो है यहाँ पे बोविस्ता की टीम की साइड से जो है देखने को मिलता है। वहीं अगर आप टीम की बात करोगे विक्टोरिया की जो टीम है उस टीम की साइड से आपको जो है क्या स्टैट जो है देखने को मिलेगा, तो अगर आप वहीं क्लब रैंक की तरफ ध्यान देंगे तो यहाँ पे 12 नंबर क्लब रैंक पर जो है ये टीम चल रही है। अभी तक इन्होंने 26 मैचेस जो है खेले हैं, जिसमें से 6 मैच इन्होंने विन करे हैं, 12 मैच ड्रॉ और 8 मैच का लॉस। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा जो है लो मैच जो है लॉस किए हुए हैं विक्टोरिया की टीम की साइड से। तो यही मैं आपको एक एडवांटेज जो है बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे दोनों टीम जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और 6:5 का कॉम्बिनेशन आपके लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है। और अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो आप 0-0 जो है ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि यहाँ पे दोनों टीम के साइड से जो है गोल नहीं भी होगा, क्योंकि दोनों टीम जो है एक अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम है, परफॉर्मेंस वाइज दोनों टीम जो है एक अच्छा स्कोर कोड जो है सेट कर जाती है। वहीं अगर आप पॉइंट्स की तरफ ध्यान देंगे तो 30 नंबर पॉइंट पर जो आपको ये टीम चलती देखने को मिलेगी। 26 मैचेज में इन्होंने जो अभी तक 20 गोल करे हैं फॉरवर्ड, गोल अगेंस्ट की बात करें तो 30 गोल जो अगेंस्ट भी हुए हैं। गोल डिफरेंस -10 गोलों का डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको -2 गोलों का डिफरेंस जो है देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप लास्ट मैच रिकॉर्ड की बात करोगे तो यहाँ पे आपको जो ड्रॉ सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है विक्टोरिया की टीम की साइड से, तो शायद विक्टोरिया की टीम की साइड से आज आपको विन भी जो है देखने को मिल सकता है। तो यही एक एडवांटेज है जो आपको समझनी है कि विक्टोरिया की टीम एक लो एवरेज टीम है, लेकिन यहाँ पर ये मोस्टली मैच जो अपने ड्रॉ करती है, और अगर इस की साइड से गोल होता है तो ये विन भी कर जाती है। तो इसलिए विक्टोरिया की टीम आपके लिए एक सेफ टीम हो जाती है, और यहाँ पे बोविस्ता की टीम को आप जो है नेगलेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे दोनों टीम को आपको सपोर्ट करके जो है चलना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों टीम जो है एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखा सकती है, क्योंकि यहाँ पर गोल अगेंस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, यहाँ पर गोल अगेंस्ट जो है ज़्यादा होते हैं, बट यहाँ पर मैच ड्रॉ जो है ज़्यादा होता है और यहाँ पर मैच लॉस जो है ज़्यादा होता है। तो ये जो है कुछ चेंजेस हैं और कुछ पॉइंट हैं जो आपको जो है ज़रूर पता होना चाहिए जब आप जो है टीम बनाते हैं दोस्तों।
हाँ तो दोस्तों वहीं पे अब बात करते हैं टेलीग्राम चैनल की। तो अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े तो जुड़ जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना जो सभी भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है @scopeplayer विदाउट स्पेस, जो आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल जो बहुत ही आसानी से जो मिल जाएगा। यहाँ पर आप जुड़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको जो विनिंग स्क्रीन शॉट जो प्रोवाइड कर देते हैं प्रीवियस मैचेस के, फिर आपको अपनी टीम प्रोवाइड कर देते हैं, फिर हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करते हैं उस वीडियो का अपडेट भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइनअप, जो लाइनअप सभी भाइयों के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हम आपको जो हर एक मैचेस का जो है लाइनअप भी जो प्रोवाइड कर देते हैं ताकि आप एक टीम जो है खुद भी क्रिएट कर पाओ और बेस्ट टू बेस्ट विनिंग जो है कर पाओ। तो इसलिए लाइनअप आप सभी के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और हम मोस्टली आपको हर एक मैचेस का जो है लाइनअप जो है प्रोवाइड कर देते हैं ताकि आप एक अच्छा मैच खेल के एक अच्छी विनिंग जो है कर पाओ दोस्तों। तो इसलिए टेलीग्राम पर आप लोग नहीं जुड़े तो जुड़ जाएगा @scopeplayer सर्च करिएगा और आपको हमारा चैनल जो है बहुत ही आसानी से जो है मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं फाइनल टीम अपडेट की। तो यहाँ पे BOA वर्सेस SET का मैच के बारे में जो हम बात करने वाले हैं, पोर्टुगल लीग का जो है ये मैच होगा जिस मैच के बारे में जो हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है मैं बता दूँ यहाँ पे दोनों टीम्स को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे दोनों टीम जो आपके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी जो है सेफ टीम है। अगर आप दोनों टीम को सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे आप एक अच्छा मैच जो है विन कर सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि दोनों टीमों को आपको जो है ज़रूर जो है सपोर्ट करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे गोलकीपर की चॉइस में आपके पास जो कौन सा गोलकीपर आता है, तो यहाँ पे आपके पास जो है गोलकीपर की चॉइस में आते हैं जी मैकरिट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी और एक सेफ चॉइस आ जाती है। नहीं तो आपके पास आते हैं एच लाइट भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए 6:5 का कॉम्बिनेशन कैसे बन गया। तो यहाँ पे आपको सिर्फ गोलकीपर की चॉइस करनी है कि गोलकीपर की चॉइस आप कौन सी जो है लेके जो है चलने वाले हैं। डिफेंडर से मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, डिफेंडर से यहाँ पर आपके पास जो है सबसे ज़्यादा आते हैं एग्रोच, जे रोचा, एस मुनिल, ये चार प्लेयर जो हैं SET के जो एक अच्छे प्लेयर आते हैं। बी पेरिस, ये चार प्लेयर जो आपके लिए अच्छे प्लेयर होते हैं और प्लेयर परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो यहाँ पे अगर SET की साइड से आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है तो ये चारों प्लेयर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन जो हो जाते हैं। वहीं पे आप नोटिस करेंगे यहाँ पे मैंने जो है जे सेस्मीडो को ट्राई करा है। जे सेस्मीडो मेरे पास एक अच्छी चॉइस है, इनकी साइड से हमें गोल फॉरवर्डिंग देखने को मिल जाती है। जी ड्वेल्टो ये आपके पास एक अच्छी चॉइस आती है, इनकी साइड से भी आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस जो है देखने को जो है मिलता है दोस्तों। वहीं मिडफील्डर से अगर आप देखेंगे तो मिडफील्डर से यहाँ पे आपके पास है ई बैसा आपके पास एक अच्छी चॉइस आती है। कार्लोस विकनेस ये आपके पास एक चॉइस आती है। जी स्वेर एक अच्छा ऑप्शन है। पी लुकस आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। तो ये सारे ऑप्शन जो है आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन जो है हो जाते हैं जो आपके लिए एक सेफ चॉइस हो जाती है। फॉरवर्ड से एच जोस और एच ग्रूज, यहाँ पे एच ग्रूज हाईली सिलेक्टेड चॉइस है तो एच ग्रूज आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे एच जोस जो हैं कभी कभार टीम में होते हैं और कभी कभार सब्सिट्यूट होकर आते हैं, तो ये आपको जो है ज़रूर नोटिस करना है कि एच जोस भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा और एक सेफ ऑप्शन जो होता है जिनको आप अपनी टीम में ट्राई करोगे। फिर उसके बाद ए ब्यूनो हमारे पास चॉइस आती है। अगर हम बात करें BOE की टीम की साइड से तो ए ब्यूनो जो है ट्राइस आती है। तो एक ये टीम है जिस टीम को आप जो है चूज़ करके रखना है क्योंकि ये टीम जो है आपके लिए एक सेफ टीम हो सकती है। वहीं अगर कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए आपके पास एच ग्रोस और यहाँ पे ए ब्यूनो ये आपके पास जो है चॉइस आती है जो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन जो है हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक ग्रैंड लीग टीम बताने वाला हूँ जिसमें 0-0 गोल की जो हम सोच रहे हैं कि 0-0 गोल होगा, तो इसलिए मैं जो आपको जो ग्रैंड लीग टीम जो है बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ग्रैंड लीग टीम आपके पास क्या आती है तो ये चीज़ आप देख लेना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास ए जॉर्ज, एफ लिसन, एन नारिस, एस मुलैन ये सारे प्लेयर आते हैं यहाँ पे जो आपके पास आते हैं अगर हम बात करें BOA और SET की टीम से। तो यहाँ पे ये सारे प्लेयर हैं जो आपके लिए अच्छे और एक सेफ ऑप्शन होते हैं जिनको आप अपनी टीम में जो ज़रूर ट्राई करेंगे। मिडफील्डर से बात करें यहाँ पे ई बैसा, सी विक्टिम्स, जी स्वेयर, पी लोकस ये आपके पास चॉइस आते हैं। अगर हम बात करें मिडफील्डर से यहाँ पे पी लोकस की जगह हम जो है एच बोस और यहाँ पे ए ब्यूनो इनको ट्राई करेंगे। तो ये जो है हमारे पास एक सेफ और एक अच्छी चॉइस आती है अगर हमें लगता है कि दोनों टीम की साइड से जो गोल नहीं होगा और दोनों टीम हमारे लिए एक बेस्ट और एक अच्छी टीम होने वाली है, तो इसलिए आप ये टीम भी जो ट्राई कर सकते हैं। वहीं कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूँगा तो यहाँ पे हम जो है डिफेंडर से जो दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करेंगे क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑप्शन हमारे पास जो डिफेंडर से आते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आएंगे ए ग्रूज जो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन आता है डिफेंडर से, फिर उसके बाद आपके पास आते हैं जे रोचा। तो ये दो ऑप्शन आते हैं डिफेंडर से जो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन जो होते हैं। ये जो आपके लिए जो ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग टीम हो सकती है अगर आपको लगता है 0-0 गोल होंगे तो ये टीम आपके लिए एक अच्छी और एक सेफ टीम जो हो सकती है। वहीं यहाँ पे लाइनअप में अगर कुछ भी चेंजेस कुछ भी अपडेट होगा उसका अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप लोग नहीं जुड़े तो जुड़ जाएगा और जब भी भाई नया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
ताकि हम जब भी वीडियो को अपलोड करें तो आपको जो है नोटिफिकेशन आ जाए और आप एक बेस्ट टू बेस्ट टीम जो है बना पाएँ। और जो भी यहाँ तक पहुँच चुका है, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके जो है ज़रूर जाना, और अगर आप वीडियो लाइक करते हो तो हमें जो मोटिवेशन मिलती है, तो इसलिए वीडियो को लाइक करके जो है ज़रूर जाना। तो चलिए दोस्तों, उस वीडियो को जो हम यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।